नेक्स्ट हमारे पास मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी इज द एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैलिटी में हम वॉल्यूम ले रहे थे वो भी लीटर में, और मोलैलिटी में क्या ले रहे हैं? मोलैलिटी में हम मास ले रहे हैं, किलोग्राम ले रहे हैं ना, कि सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं, और वो भी हम ले रहे हैं केजी में। ठीक है, किलोग्राम में ले रहे हैं। तो मोलैलिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है? मोलैलिटी में हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, किसमें लेते हैं? लीटर में। ठीक है, और मोलैलिटी में क्या करते हैं? मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं, किसमें ले रहे हैं? केजी में, क्योंकि हम पता है कि मास हम या तो केजी में ले सकते हैं या ग्राम में ले सकते हैं। ठीक है, तो मास हम किस में ले रहे हैं? केजी में। तो ये डिफरेंस है मोलैलिटी और मोलैलिटी में। तो अब डिफरेंस किस में है? सिर्फ मास और वॉल्यूम में। लेकिन फार्मूला मोलैलिटी और मोलैलिटी का बिल्कुल सेम होता है। क्या फार्मूला होता है? मोलैलिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय द नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करना है मोलैलिटी में? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मोलैलिटी का फार्मूला। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, तो इस फार्मूले को जब हम थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, थोड़ा सा खूबसूरत करेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा, गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और अगर हमें क्वेश्चन में मास ग्राम में दिया होगा तो उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? जैसे हमने वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट किया था, हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के। तो ग्राम एक छोटा यूनिट है और केजी बड़ा यूनिट है। तो छोटे यूनिट को जब हम बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। जो मास हमें ग्राम में दिया हुआ होगा उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर केजी में आ जाएगा। तो यही फार्मूला इस तरह से हो जाएगा, गिवन मास ओवर मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ग्राम में आए तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ग्राम पर केजी। ठीक है, तो इसी तरह से 1000 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास सा फार्मूला आ जाएगा, गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। 1000 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इनटू 1000 ग्राम ओवर केजी। ठीक है, ग्राम ग्राम से कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल वेट क्या आ जाएगा सॉल्वेंट का? केजी में आ जाएगा, क्योंकि मोलैलिटी में हमने टोटल मास केजी में ही लेना होता है, तो फाइनल मास हमारे पास केजी में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मोलैलिटी का फाइनल फार्मूला। इस फार्मूले से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोलैलिटी को हम कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे, लेकिन उससे पहले मोलैलिटी के हमने जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं उनको हम एक साइड पर लिख लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के कौन कौन से फार्मूलाज हम पढ़ चुके हैं? हमने मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के 3 तरह के फार्मूलाज पढ़े हैं। फर्स्ट फार्मूला है, मोलैलिटी के लिए हम स्मॉल एम यूज़ करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सेकेंड फार्मूला है, मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। थर्ड फार्मूला है, मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास इनटू 1000 ओवर मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये वो तीनों फार्मूलाज हैं जिनसे हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलैलिटी के लिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 mole ऑफ शुगर इन 2 kg ऑफ वाटर। अब इस एग्जांपल में शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट यानी शुगर के 8 mole डिसॉल्व हैं 2 kg सॉल्वेंट यानी वाटर में। अब इस एग्जांपल में हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है केजी में। तो हमारे पास सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और सॉल्वेंट का मास केजी में है, तो हम मोलैलिटी का कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फर्स्ट फार्मूला देखें,
इस फार्मूला में हमारे पास सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए और सॉल्वेंट का मास केजी में होना चाहिए। अब सेकंड फार्मूला देखें, इसमें हमें सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए बल्कि सोल्यूट का मास हमें पता होना चाहिए, सोल्यूट का मास गिवन होना चाहिए। और मोलर मास का हमें पता ही है कि क्या होता है मोलर मास और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सोल्यूट का मोलर मास हम खुद निकाल लेंगे और सॉल्वेंट का मास भी इसमें केजी में होना चाहिए। अब थर्ड देखें, इसमें भी हमारे पास सोल्यूट का मास गिवन होना चाहिए और मोलर मास हम खुद निकाल लेंगे, लेकिन इसमें सॉल्वेंट का मास केजी में नहीं ग्राम में होना चाहिए। तो अब हम इन तीनों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये फर्स्ट वन, क्योंकि हमारे पास सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स भी हैं और सॉल्वेंट का मास भी केजी में है, तो हम ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इस सोल्यूशन की मोलैलिटी आ जाएगी। तो क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं? 8 मोल, और सॉल्वेंट का मास कितना है? 2 kg। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 4 = 8, 4 मोल पर केजी। ये आ गई सोल्यूशन की मोलैलिटी। मोलैलिटी की सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ 45 ग्राम ऑफ NaCl इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। अब इस एग्जांपल में NaCl सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, और सोल्यूट यानी NaCl के 45 ग्राम डिजोल्व हैं सॉल्वेंट यानी वाटर के 80 ग्राम में। अब इस एग्जांपल में हमें सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, सोल्यूट का मास दिया हुआ है 45 ग्राम और सॉल्वेंट का मास भी केजी में नहीं है, किसमें है? ग्राम में है। तो हम मोलैलिटी का कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फर्स्ट फार्मूला में देखें, इसमें हमारे पास सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स भी होने चाहिए और सॉल्वेंट का मास भी केजी में होना चाहिए, लेकिन एग्जांपल में हमारे पास ना तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं ना ही सॉल्वेंट का मास केजी में है, तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, अब दूसरे फार्मूला पे आएं, इसमें हमें सोल्यूट का मास चाहिए जो कि हमें एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है, और सोल्यूट का मोलर मास हम खुद निकाल लेंगे, लेकिन इसमें भी सॉल्वेंट का मास केजी में होना चाहिए, और एग्जांपल में हमारे पास सॉल्वेंट का मास ग्राम में है, केजी में नहीं है, तो हम ये फार्मूला भी नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अब थर्ड फार्मूला पे आएं, इसमें भी हमें सोल्यूट का मास चाहिए जो कि हमें अवेलेबल है एग्जांपल में, ठीक है, मोलर मास हम खुद निकाल लेंगे, और इसमें सॉल्वेंट का मास ग्राम में होना चाहिए, तो एग्जांपल में भी हमारे पास सॉल्वेंट का मास ग्राम में ही है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये थर्ड वन फार्मूला हम लगाएंगे। तो क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास इंटू 1000 ओवर मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब हमारे पास सोल्यूट का गिवन मास क्या है? 45 ग्राम, तो आ जाएगा 45 ग्राम इंटू 1000 ओवर मोलर मास हमने अभी नहीं निकाला, वो हम निकालते हैं, तो एक बार इसको वैसे ही लिख लेंगे, मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास हमारे पास कितना है? 80 ग्राम, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 ग्राम। अब क्या रह गया फार्मूला में पुट करने के लिए? मोलर मास, मोलर मास हम निकाल लेते हैं। तो इस एग्जांपल में NaCl सोल्यूट है, तो NaCl का हम मोलर मास निकालेंगे, और NaCl एक मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले हम NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58 U। ये है सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास, और जब हम U की जगह ग्राम का यूनिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 58 ग्राम, तो ये आ जाएगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड का मोलर मास। अब इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे सोल्यूट के मोलर मास की जगह, तो ये ऐसे आ जाएगा 45 ग्राम इंटू 1000 ओवर 58 ग्राम इंटू 80 ग्राम। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 मोल पर केजी। तो ये आ गई हमारे पास इस सोल्यूशन की मोलैलिटी।